किलोमीटर दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ तिलकेश्वर महादेव मंदिर, मेवाड़ों के मठ और कोटड़ा बेल्ट में ये पूरा स्थित है, देवला के पास में, और ये पूरा स्थान है। अभी देख रहे हैं, आइए चलते हैं, हम इस पूरे स्थान के ऊपर विजिट करते हैं कैसे यहाँ तक जाया जा सकता है एक नज़र में। हम देखें कि उदयपुर से जब हम निकलते हैं तो उदयपुर की इन सुंदर सुंदर वादियों से निकलते हुए और उदयपुर के फतेह सागर से होते हुए हम आराम से सुंदर सुंदर वातावरण से देखते हुए इसवाल के इस रोड से होते हुए अपन ये जो उपयात वाली जो सुरंग है, इस सुरंग को पार करते हुए अपन जब निकलेंगे तो दूसरी सुरंग और भी आएगी और दोनों सुरंगों को पार करते हुए इस स्थान तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि सुंदर सुंदर रोड है, बहुत ही अच्छा वातावरण है, गाँव का वातावरण है और इस वातावरण में इतने गजब के दृश्य है। यहाँ आपको मवेशी, आपको गाँव के किसान, हर एक दृश्य आपको मिलेगा और ये इतना सुंदर स्थान है। यहाँ पे आपको आने के बाद इतना अच्छा लगेगा कि मत। तिलकेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। और चलिए दोस्तों, अब काम निपट गए हैं, हमारे सब अतिथि यहाँ पे आ चुके हैं, दर्शन हो चुके हैं, अब प्रसादी प्रसंग की ओर चलते हैं। पाँव में चप्पल भी नहीं है। तो आपने एक से बढ़कर एक नज़ारा देखा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। हर एक दृश्य अगर नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पर जाएं, उस पर सभी मैंने वीडियो विस्तार से सभी वीडियो डाल दिए हैं। जय हो। ओहो, आगे तो भीड़ आपने देखी कि और भी ज़बरदस्त धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आसपास के जितने भी परिवार समाज के बंधु हैं वो सब आगे हैं और ये ऊपर कुछ समाज बंधु हमारे वानर राज भी यहाँ पे मौजूद है, कुछ न कुछ देख रहे हैं, लाडू बाटी का इंतज़ार ये भी कर रहे हैं। हाँ पटेल साहब, हमारे पशु पक्षी भी इंतजार कर रहे हैं, वानर की सेना, बालाजी की सेना भी पीछे वो भी कर रही है। हाँ हाँ, ओ हो हो, इधर तो पूरा जत्था आ गया, बाप रे बाप। बहुत ध्यान रख जो जावर है ना, बहुत ध्यान चैन पकड़ने का, जो चैन छूट नहीं जाए। तो देखिए बड़ी संख्या में सब आए और अभी ये पता आ गया। और कुछ भाई ऊपर चले गए, ऐसे कुछ नीचे चट्टानों से जाना पड़ रहा है। सबसे पहले जूते पहनने पड़ेंगे क्योंकि शहर के कोमल कोमल पैर यहाँ नहीं चल सकते, यहाँ कठोर पैर चाहिए। करीब आधा घंटा से ऊपर हो गया है, एक घंटे के आसपास पैर बिल्कुल चकट गए हैं। तो सत्संग के में भी आ गया है, वाह भी वाह, तिलकेश्वर महादेव की जय हो। ए भगवान, अरे गोविंद की ऐसी हालत हो गई है, जंगल में मंगल कर दिया यार। अरे ले ले भाई, मारे सबको ले यार, सबने ले लिया, सबने ले मैंने, क्या बताऊं, क्या आनंद आया यार। आहा, अच्छी जगह पे आए, कुलतेश्वर महादेव जी, मुझे दर्शन करने गए नहीं गए, अभी आए, पहली बार आए हो, पहली बार ही आए, फिर वापस आके पता करना, ठीक है सर। नहीं नहीं आप
पहली बार सेकंड आपको पता है तो चार पांच बार आपको सब पता है मान तो कहीं पता नहीं यार आनंद अभी ले तो आई अभी जा बाकी रास्ते का आनंद आ गया प्राकृतिक जगह बहुत ही बढ़िया जगह बैठ इसे कनेरे परिवार को बोलो हर महीने दिया करे हाँ यार ये बात ही है यार अब कितना पड़ेगा साल करता है भी करे चौहान भी करे सब मिलके करो तो एक एक प्रसादी होती रहे 300% रिफ्लेक्स और अपने समाज के जो रविदास है संत सिंपल जी है वो सब जाए बिल्कुल और समाज जागृति में योगदान दे बिल्कुल बिल्कुल योगदान तो है ही है उसे क्यों भाई साहब बिल्कुल सही क्या लग रहा बिल्कुल सही लग रहा है सर ऐसा होने से छोटे छोटे प्रसंग होने से समाज के भेदभाव खत्म हो जाते हैं मानवता जन्म लेती है शिक्षा बढ़ती है आदान प्रदान बढ़ता है रिश्तेदारियाँ बढ़ती है भाईचारा बढ़ता है तो कई सकारात्मक पहलू होते हैं तो क्या क्या बनेगा पकवान तो क्या है दाल बाटी चूरमा है नाश्ते में आलू बड़े भी के मुंह में बारी आ गया इतने दूर से आए आप आप नहीं आए आप नहीं आए तो उसमें हमारी गलती नहीं है लोटा तो आपका भी था आपको भी आना चाहिए था बिल्कुल आना चाहिए आपको अब भले मुंह में पाड़ी हवा हो भले रसगुल्ले हवा क्या बात है मजा आ गया तो इधर सत्संग चालू